आप सभी जानते हैं कि दिया जो है मिट्टी से निर्मित किया जाता है। इसका उपयोग नवरात्रि में जोत जलाने और दीपावली में दीपक के रूप में अपने अपने घरों में सजाने के इस्तेमाल में होता है। आपको बता दें कि आज जिस दिए की हम बात कर रहे हैं वो एक अनोखा दिया है जिसे मिट्टी से नहीं बनाया जाता है परंतु इसे गाय के गोबर से बनाया जाता है। इस अनोखे दिए का निर्माण कांकेर से महज 25 किलोमीटर की दूरी से लगे ग्राम लिल वापहर में बिहान योजना के तहत जय मां वैष्णो देवी समूह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे समूह की महिलाओं के द्वारा तेजी से दिए तैयार किए जा रहे हैं। एक अनोखे दिए का निर्माण यह दिया गाय के गोबर से बनाया जा रहा है और बाजार में इस दिए की मांग बढ़ती ही जा रही है। समूह की महिलाओं का कहना है कि दिए की मांग बढ़ने से अच्छी आमदनी भी हो जाती है और दिए को बनाने में अत्यधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसमें समय की बचत हो जाती है तथा दिए बनाने से रोजगार का साधन भी बन जाता है। इस दिए को बनाने का उद्देश्य ये है कि ये दिए को जलाने से आसपास की जो कीटाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। ये गोबर के दिए का टूटने फूटने का भी डर नहीं होता है और 3 महीने तक ये दिए उपयोग में आते रहते हैं और ये दिए अनुपयोगी हो गए तो वह खाद के काम आ जाते हैं। महिलाओं का मानना है कि गाय का गोबर पवित्र होता है जिसका इस्तेमाल हम कई चीज़ों में करते हैं, खासकर दीपावली में पूजा अर्चना करने के लिए करते हैं, इसलिए हमने गाय के गोबर से दिए बनाने का काम शुरू किया है। श्याम भाई जय। क्या समूह के हैं आप लोग का जो दिया बना रहे हैं? जय जय माँ वैष्णो देवी। अच्छा, ये इसका नियम है वो गोबर को अच्छे साफ गोबर निकालना है, उसको सुखाना है, सुखा करके उसको वो करना है, गुथना है, गुथ करके उसको सांचा से बनाना है। फायदे है वही है कि वो हम मिट्टी के दिया बनाते हैं वो तो जलाते हैं वो टूट फूट जाते हैं, लेकिन गोबर का दिया वो नहीं टूटता है, 3 माह तक ही चलता है और उसमें 3 माह के बाद ही वो उसको अपना अब उपयोग में लाते हैं, खाद के रूप में कहीं पौधे में डाल देते हैं तो खाद का काम करता है, वही फायदा है। और इसमें हमको वो क्योंकि लागत कम है और उसमें हमको जो मिलना है अपना रोजी रोटी वो सही मिल पा रहा है। हम इस गोबर का दिया को उस पवित्रता है हर चीज़ में, वो गोबर को हम मानते हैं इसलिए उस गोबर का वो ये दिया बना रहे हैं। हमारे ग्राम लिल्हापहर में जो समूह के माध्यम से यहाँ पर जो दिया बनाया जा रहा है उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं नरहरपुर ब्लॉक के अंतर्गत में SVP में CRPP का काम उमराधा क्लस्टर से करता हूँ, जो कि हमारा काम है। हम लोग जो समूह हैं उनको एक मैं सपोर्ट करना, उनको एक टेक्निकल के बारे में जानकारी देना और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी देना हमारा ये मैंने मुख्य काम होता है। तो जैसे लिल्हापहर में अभी जो दीदी लोग हैं गोबर से जो दिया बनाया जा रहा है ये कांकेर जिला से लेकर कांकेर से मात्रा लगभग 25 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल गांव पे है, जहां पर दीदी लोग एक अच्छी सी व्यवसाय शासन की योजना के बारे में व्यवसाय के बारे में भी इन लोग कर रहे हैं। और ये जो गोबर से जो दिया बनाया जा रहा है उसमें हमारा एक सपोर्ट रहता है कि हम लोग इनको 6 माह तक ट्रेकिंग करना ये हमारा मैंने मुख्य उद्देश्य रहता है और इनको मार्केटिंग की व्यवस्था भी करना ये हम लोगों का मुख्य काम रहता है। इससे आपके समूहों को रोजगार का भी एक साधन मिल जाता है क्या आपका? हाँ, इसमें हमारे जो समूह हैं समूह के जो दीदी लोग हैं उनको एक रोजगार का अवसर भी मिल जाता है और इससे आय शासन की जो मंशा है कि जो गरीब वर्ग के जो दीदी लोग हैं उनको व्यवसाय करके उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जो सोच है उसको भी हम लोग परिलक्षित कर रहे हैं। यहाँ के जो दीदी लोग हैं उनमें हमको आत्मनिर्भर के बारे में हमको भी दिखाई दे रहा है। सूर्या नेवेंद्र की रिपोर्ट।